ठीक है, बहुत अच्छा। ये असल में ये क्लास जो थी, बस ओवरव्यू देना था कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे, है ना। क्योंकि आप लोगों ने ज्वाइन किया है अभी तक, अंजुम है और आयसे मलिक साहब है, तो इन्होंने ज्वाइन किया। ओवरव्यू देना था कि इस कोर्स में हम क्या पढ़ाएंगे आपको और उससे आपको क्या फायदा मिलेगा। आपने देखा होगा कि आप लोग चूंकि किसी ना किसी कॉलेज में पढ़ते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे, आप लोगों ने जिस तरह से ट्रांसलेशन पढ़ा होगा अब तक, उससे ये थोड़ा सा हट करके है पढ़ाना। और ट्रांसलेशन एक स्किल है। क्या करती, अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं पर भी रहेंगे आप कीमती बंदा बन के रहेंगे। ये चीज होती है स्किल की, स्किल का ये फायदा होता है। तो जब आप बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी जाएंगे, चाहे आप जामिया, JNU, MU कहीं भी चले जाएं, है ना, वहां पर भी आप देखेंगे कि अगर 50 स्टूडेंट हैं अरबिक के, तो उनमें से मुश्किल से 4-5 स्टूडेंट होंगे जो ट्रांसलेशन की स्किल जिनके पास होगी। थोड़ा बहुत ट्रांसलेशन कर लेना अलग बात है, लेकिन जो स्किल होता है ट्रांसलेशन का, वो बहुत कम लोगों के पास होता है। और जिनके पास भी होता है, उनकी बहुत कदर होती है। ठीक है, जैसे जो आपके टीचर हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे जो आपके टीचर हैं उबैदुर्रहमान भाई, वो आपको पढ़ा रहे हैं, है ना। मैं भी बहुत अच्छा नहीं हूँ ट्रांसलेशन में, है ना। उबैदुर्रहमान भाई ने तकरीबन 17-18 किताबों का ट्रांसलेशन किया, और उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थी कि आप जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के थोड़ा बच्चों को ट्रांसलेशन के बारे में बताइए, क्योंकि ट्रांसलेशन के बारे में बिल्कुल हमारे जो अरबी के बच्चे हैं वो तकरीबन समझ लें कि हाशिए पर हैं, जीरो पर हैं। ठीक है, तो हमारा मकसद बस यही था कि अरबी के जो बच्चे हैं उनमें ट्रांसलेशन का स्किल थोड़ा सा आए। उसका एक तो दुनियावी फायदा भी होता है ना, जैसे आप किसी कंपनी में चले जाएंगे, कहीं जॉब मिल जाएगी, ठीक है, वो सब दुनियावी फायदे हैं। दीनी फायदा भी इसका बहुत ज्यादा है। दीनी फायदा क्या है कि बहुत सारी किताबें हैं जो इंग्लिश में लिखी हुई हैं, ठीक है, अब उसको जरूरत है कि आप उर्दू में अवाम तक पहुंचाइए, हिंदी में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अवाम तक पहुंचाइए। अरबी में बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं इस्लाम के बारे में, ठीक है, इस्लाम पर जो एतराजात किए जाते हैं उसके बारे में, है ना। इसी तरह बहुत सारे नॉवेल हैं, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें अरबी में। लेकिन वो जो हमारे हिंदुस्तान के लोग हैं या जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं, उन तक नहीं पहुंच पाती हैं वो किताबें, क्योंकि उनको अरबी आती नहीं है। तो ये जो ट्रांसलेशन का तबका, ट्रांसलेट करने वाला तबका होता है, ये उन किताबों को ट्रांसलेट करता है, उसको अवाम तक पहुंचाता है, दूसरी जबानों के अवाम तक, ठीक है। और ऐसे लोगों की कदर बहुत ज्यादा होती है। आप पुराने, आप लोग चूंकि अरबी के स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होगा कि अहमद शौकी हैं, बारूदी हैं, मुस्तफ़ा लुत्फी मनफलूती हैं, हाफिज इब्राहिम है, खलील मुतरान है, ये जो बड़े बड़े उदबा जिनका हम नाम लेते हैं असर हदीस में, ये सब के सब, इनकी आधी से ज्यादा किताबें ट्रांसलेटेड हैं। ठीक है, इन्होंने फ्रेंच सीखा, फ्रेंच से अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, इंग्लिश सीखी, इंग्लिश से अरबी में ट्रांसलेट कर दिया, या अरबी की किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया, है ना। दीनी फायदा भी है। तो ट्रांसलेशन बहुत बड़ी स्किल, बहुत बड़ा हुनर है ये, है ना। तो इंशाल्लाह हम लोग सीखेंगे इसको, ठीक है। ये जो हमारा कोर्स है 22 क्लासेस का, ये ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल माहिर बना देगा ट्रांसलेशन में, लेकिन ट्रांसलेशन की जो बुनियाद होती है वो बुनियाद आपको सिखा देगा। ये बता देगा कि ट्रांसलेशन में किन किन चीजों पे फोकस करना जरूरी होता है, ठीक है। ट्रांसलेशन का काम बस ये नहीं है कि आप फेल फाइल मफूल को ट्रांसलेट करके निकल जाएंगे, है ना। बहुत सारे अस्माए मौसूला आते हैं, इसमें मौसूल का ट्रांसलेशन लोग नहीं कर पाते हैं, गलत कर देते हैं, ठीक है। कहीं पर हाल आ गया, हाल का ट्रांसलेशन करने में लोगों की हालत खराब हो जाती है। तमीज वाला जुमला है ना, तमीज वाले जुमले का ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हर जबान का अपना एक अलग तरीका है लिखने का, ठीक है। आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वो ट्रांसलेशन अच्छा नहीं माना जाता है। आप मान लें गूगल से ट्रांसलेट कर लिया आपने, गूगल ट्रांसलेशन 60% उसकी एक्यूरेसी नहीं होती है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके दे देगा, लेकिन एक जुमला अगर अरबी में बोला जा रहा है, उसके बोलने का अंदाज अलग है। सेम जुमला इंग्लिश में बोला जा रहा है, सेम तरह की बात, उसके बोलने का अंदाज अलग होता है। होता है कि नहीं बताएं, हर जबान का अपना बोलने का एक अंदाज होता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, वो डिक्शनरी देख करके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट कर देगा, ये ट्रांसलेशन का काम नहीं। ट्रांसलेशन का काम क्या है कि आप अरबी में जिस जुमले को जिस तरह से कहा जाता है,
उस जुमले को इंग्लिश में जिस तरह से कहा जाता है उस तरह से आप ट्रांसलेट कीजिए, ये ट्रांसलेशन का काम है ना। वर्ड टू वर्ड डिक्शनरी देखा, गूगल किया और ट्रांसलेट कर दिया, वो नहीं चलेगा, ठीक है, वो सब बेकार की चीजें हैं। तो हमारे कोर्स का, जो हमने कोर्स निकाला है, जो डिजाइन किया, उसका मकसद असल यही है कि आपको दोनों जबानों में जो डिफरेंस है ना, दोनों जबानों में किसी बात को कहने का जो अलग अलग तरीका है, उस तरीके को हम समझेंगे, है ना, और एक जबान से दूसरी जबान में कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे एक जबान को दूसरी जबान में मुंतकिल किया जाता है, उस तरीके को भी समझेंगे और उसको सीखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, समझ रहे हैं, बताएं। जी सर, हाँ, तो अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, जब भी क्लास हो जरूर क्लास में हाजिर होइए, क्लास अटेंड कीजिए, उसके बाद जो क्लास में होमवर्क दिया जाए उस होमवर्क को जरूर कीजिए। ज्यादा टाइम आपका नहीं लगेगा, आप 15 मिनट 20 मिनट भी देंगे तो आपका होमवर्क हो जाएगा, ठीक है, लेकिन उसको कीजिए। फिर नेक्स्ट डे उसके बारे में टीचर आपसे पूछेंगे, है ना, आपने क्या किया, क्या होमवर्क किया, उसको बताइए, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक टेलीग्राम ग्रुप बना लेंगे, उस ग्रुप में आप अपना होमवर्क करने के बाद उस ग्रुप में भेज दीजिए ताकि टीचर उसको चेक कर ले कि आपने सही किया है, अगर उसमें कोई गलती है तो वो उसको बता देंगे कि यहाँ पे ये गलती है, इसको आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे कोर्स का ये तरीका रहेगा, इस तरह से हम सीखेंगे चीजों को, ठीक है। हाँ, ये सारे फायदे हैं ट्रांसलेशन में एक्सपर्टीज हासिल करने के। आपको रिसर्च में भी फायदा मिलेगा, फिर आपकी एक अलग पहचान होगी, आप चाहे तो फ्रीलांस जॉब भी कर सकते हैं। और दूसरी बात, मैंने खुद ट्रांसलेशन इतने मेहनत से सीखी है तो मुझे इससे बहुत फायदा हुआ। अब तक मैंने 17-18 बुक्स का ट्रांसलेट किया है, प्लस मैं बहुत सारी फ्रीलांसिंग कंपनी के साथ टाई अप के साथ काम करते हैं, घर बैठे बहुत सारे काम आते रहते हैं। और भी बहुत सारी ये है, मतलब डोमेन है जिसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट बना सकते हैं। अमेजोन में मैं 2 साल ट्रांसलेशन एसोसिएट था, उसके बाद मुझे प्रमोट करके टेक्निकल एसोसिएट सॉरी टेक्निकल QA बनाया गया। तो 3 साल के लगभग मैंने अमेजोन में एज ए ट्रांसलेशन टेक्निकल ट्रांसलेटर मैंने काम किया। उसके बाद फिर यहाँ आया, फिर मेरा JRF निकला, तो उसके बाद मैंने 2017 से एज ए फ्रीलैंसिंग में कर रहा हूँ। 2017 से अब तक मैंने 17-18 बुक्स का ट्रांसलेट किया है। तो हम ये इसलिए नहीं बता रहे कि हमने बहुत कुछ किया है, ये बता रहे हैं कि अगर आप सीखेंगे तो आप भी इससे अच्छा कर सकते हैं। और इस कोर्स को आप ये समझ रहे हैं कि ये कोर्स बहुत महंगा है, इससे जो आपको बेनिफिट मिलेगा वो आपको, मतलब एक ही काम अगर मिल जाए, कहीं एक ही जॉब मिल जाए, एक ही बार में सारा पे आउट, बल्कि इससे ट्रिपल आपको पे आउट हो सकता है, बस आपको मेहनत करने की। तो ये है आपका Level 1। तो एक्चुअली इस कोर्स को हमने 3 लेवल में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट लेवल में जो आपको चीज़ें दी जाएंगी, जो भी एक्सरसाइज दिया जाएगा, जो भी टेक्स्ट दिया रिकॉर्डिंग ऑन कर जाएगा, दिया आपने? हाँ हाँ, ठीक, रिकॉर्डिंग ऑन है, तो वो सब बेसिक लेवल का होगा। और नहायत ही, मतलब क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी लेवल का होगा। उसमें आपको चीज़ें बहुत टफ नहीं दी जाएंगी और उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद हम बढ़ेंगे Level 2 की तरफ, फिर बढ़ेंगे Level 3 की तरफ। Level 2 में इंटरमीडिएट लेवल रहेगा और Level 3 में एडवांस लेवल रहेगा। और ये कोर्स जो है, जैसे कि ऊपर आप देख पा रहे हैं, दिस इज Level 1 ऑफ द अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन कोर्स। इट हैज़ बीन मेटिकुलसली डिजाइन टू अलाइन विद कंटेम्प्रेरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। तो जो भी इंडस्ट्री में, ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में जो जिस तरह के टेक्स्ट चलते हैं, ताकि आप इस कोर्स को फाइनल करने के बाद आप इस लायक हो जाए कि ट्रांसलेशन इंडस्ट्री में आप काम कर सकें, चाहे एज ए ट्रांसलेटर हो, एज ए फ्रीलांस इंटरप्रेटर हो, या फिर एज ए अरेबिक लैंग्वेज एक्सपर्ट हो, या टेक्निकल, ये सब चीज़ें उसी हिसाब से हम टेक्स्ट को डिज़ाइन करेंगे। या एकेडमिक लेवल में, फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको UGC NET में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ट्रांसलेशन से रिलेटेड, तो उनको आप कैसे हल करें, या फिर आप अपना रिसर्च जो कर रहे हैं, रिसर्च के दौरान आपको ट्रांसलेशंस की कोई नीड आ गई, कोई चीज़ समझना है, तो ट्रांसलेशन आपकी अच्छी होगी तो रिसर्च में भी आपको हेल्प करेगी। प्लस ये कि और भी यदि ट्रांसलेशन अच्छी रहे तो दूसरे भी फील्ड में आपको इससे हेल्प मिले, उस हिसाब से हमने इस कोर्स को डिज़ाइन किया है। तो नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं, दिस कोर्स इज पर्टिकुलरली सुटेड फॉर दोज हु पोजेस अ
अ फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरबिक एंड आर मोटिवेटेड टू डेवलप देयर ट्रांसलेशन स्किल्स। तो ये चीज़ें ये है बेसिक, जैसे कि यहाँ पर लिखा हो फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरबिक, अरबिक की फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होनी चाहिए। जिनको अरबिक बिल्कुल नहीं आती वो उनके लिए ये कोर्स नहीं है। अब नीचे द कोर्स स्ट्रक्चर कंप्राइजेस 22 लेसन्स, तो 22 लेसन्स होंगे, ईच डिलीवर्ड थ्रू 22 क्लासेस। ये 22 क्लासेस पर मोहित है, यानी 22 क्लासेस दी जाएंगी। द इनिशियल सेशंस आर डेडिकेटेड टू एक्सप्लोरिंग द फंडामेंटल्स एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ इंग्लिश अरबिक ट्रांसलेशन। तो जो इनिशियल सेशंस हैं उसमें हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसलेशन को डिस्कस करेंगे कि ट्रांसलेशन में स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब ये सब किस तरह से आता है, उसका ऑर्डर क्या होता है, और अरबिक में उसका ऑर्डर क्या होता है, तो उन ऑर्डर्स को करेंगे। प्लस ये कि इंग्लिश के जो कल्चरल नुआंसेस हैं, जैसे कि अरबिक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंग्लिश कल्चर में नहीं है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अरबिक कल्चर में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अरबिक में दुआओं का है, किसी को सलाम करना है अस्सलाम वालेकुम, तो पीस बी अपॉन यू नहीं कहेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन में, बल्कि हेलो कहेंगे, हाई कहेंगे, जजाक अल्लाह खैर कहते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, सॉरी अरबिक अरबिक कल्चर में। तो उसके जवाब में मे गॉड रिवार्ड यू नहीं ट्रांसलेट किया जाएगा, बल्कि कहा जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, ये सब है। और इसी तरह से इंग्लिश में होता है जैसे कि एज फेयर एज स्नो कहते हैं कि इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं कि जैसे बर्फ की तरह। तो खूबसूरती की मिसाल इंग्लिश में बर्फ से, सॉरी अरबिक में बर्फ से नहीं दी जाती है खूबसूरती की मिसाल। खूबसूरती की मिसाल किससे दी जाती है आप लोग बता सकते हैं? कोई बहुत खूबसूरत हम कैसे कहते हैं अरबिक में? इंग्लिश में जो होता है एज फेयर एज स्नो कह दिया कि इतना खूबसूरत जैसे बर्फ जैसे सफ़ेद। तो अरबिक में ये होता है कि अरबिक में हम कहते हैं वो जमील उनकल कमर, वो चांद जैसा खूबसूरत है। इस तरह से बहुत सारी जो होती है हम उसको डीप में डिस्कस करेंगे, ठीक है? समझ पा रहे हैं आप मेरी बातें? बोलिए, जी इंटरेक्ट कीजिए। ठीक है, तो जी खैर, इसका टेक्स्ट और हाँ बड़ा कर सकते हैं क्या? बहुत छोटा छोटा दिख रहा है, और अच्छा, लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही है क्या? एक मिनट, मैं टेक्स्ट आपके लिए बड़ा कर दे रहा हूँ। कि आप इसको अगर PDF बना लेते तो उसमें हाँ, मैं PDF बनाऊंगा, PDF जूम शेयर कर कर लेते, दूंगा। आराम से समझ में आ हाँ, जाता। ये टेक्स्ट सही दिख रही है आपको, इसमें आप समझ पा रहे हैं? हाँ अब ठीक ठीक है है। ठीक है ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन से मतलब डोमेन को हम टच करेंगे, थोड़ा थोड़ा सब डोमेन को टच करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम जनरल ट्रांसलेशन लेंगे, सिंपल टेक्स्ट लेंगे, जनरल कोई भी उठा लेंगे। जब आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप सिंपल टेक्स्ट समझते हैं, फिर हम स्पेसिफिक जाएंगे, फिर हम जर्नलिज्म को लेंगे, फिर लॉ को लेंगे, मेडिसिन को लेंगे, लिटरेचर को लेंगे, एंड टेक्निकल फील्ड्स को लेंगे। और फिर द फाइनल फेज ऑफ दिस लेवल इन्वॉल्व्स अ कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन एंड असेसमेंट प्रोसेस टू एवेलुएट द लर्नर्स प्रोफिशिएंसी। तो इसमें फाइनल फेज में क्या होगा, फाइनल की जो दो क्लास होगी उसमें हम रिवाइज करेंगे जितना हमने लर्न किया उसको रिवाइज करेंगे, प्लस एक असेसमेंट भी हम डिजाइन करेंगे। उसके थ्रू आप खुद को सेल्फ एवेल्युएट भी कर पाएंगे, प्लस हम ये भी डिटर्मिन कर पाएंगे कि कौन से स्टूडेंट किस लेवल पे पहुंचे हैं और लेवल 2 के लिए आप क्या कहते हैं कैपेबल हैं कि नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि ये लेसन प्लान आप देख रहे हैं, डे 1 में हम क्या करेंगे कि डे 1 एंड डे 2 में हम क्या करेंगे, ये इन चीज़ों पर बहस करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके रेगुलेशंस क्या हैं, किस तरह से करना है, उसमें क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं, उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे डीपली। फिर उसी हिसाब से कुछ आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दिया जाएंगे और उसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश में सेंटेंसेस हैं तो उसको आपको अरबिक में ट्रांसलेट करना है यानी डिस्कशन के बाद। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कोई भी सिंपल टेक्स्ट, 3 दिन तक हम ये करेंगे जनरल ट्रांसलेशन, 3 दिन तक, डेट 3 डे 4 डे 5, इसमें हम कोई भी सिंपल टेक्स्ट लेंगे और उसका एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि कोर्स उस लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या है। उस सिंपल टेक्स्ट को आप पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम उस सिंपल टेक्स्ट को ट्रांसलेट करेंगे, ब्रेक डाउन करके ट्रांसलेट करने पर एक साथ ट्रांसलेट करेंगे। फिर तीसरा फेज उसका ये आएगा कि उसी टेक्स्ट में से आपको कुछ सवालात दिए जाएंगे, उन सवालात का आप जवाब देने के बाद चौथा फेज एक्सरसाइज का ये आएगा कि उसी में से आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे। और पांचवा एक्सरसाइज का फेज ये होगा कि
कि उसी टेक्स्ट में से कुछ सेंटेंसेस को जम्बल्ड कर दिया जाएगा आपस में, अरबिक इंग्लिश दोनों में जम्बल्ड कर दिया जाएगा, और फिर उसको आपको अरेंज करना है, ठीक है। इसी तरह से हम जर्नलिज्म में इसी तरह करेंगे, 3 दिन जर्नलिज्म टेक्स्ट लेंगे, फिर 3 दिन लिटरेरी टेक्स्ट लेंगे, फिर लीगल लेंगे, फिर 3 दिन मेडिकल लेंगे, 3 दिन टेक्निकल लेंगे। इन तमाम डोमेन को हम टच करेंगे, जर्नलिज्म को टच करेंगे, लिटरेचर को टच करेंगे, लॉ को टच करेंगे, मेडिसिन को टच करेंगे, फिर टेक्निकल को टच करेंगे, फिर लास्ट में हम असेसमेंट करेंगे और रिवाइज करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? और ये कोर्स ओवरव्यू, कोर्स प्लान आप लोगों को कैसा लग रहा है? इस पर आप क्या कहते हैं, सेटिस्फाइड है या इससे बेहतर कोई और तरीका आपके जहन में है? जी बताइए। बताइए। खैर तो क्या करें, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, ठीक है। हम आगे आपको एग्जाम्पल लेसन्स भी दिखा देते हैं, अगर सेटिस्फाइड है, सही है तो उस पर हाँ बोलिए, नहीं तो कुछ अगर सजेशंस हैं तो दीजिए। सर बोल दीजिए, हमारा कार्ड गया था, जी बाहर हाँ निकला था कार्ड, बता। हेलो और एक बार बोलिए लास्ट बार। हेलो, हाँ यासिर भाई आप कुछ बोल रहे हैं क्या? अच्छा खैर तो हम आगे बढ़ते हैं, दूसरा इस पे बढ़ते हैं, आपको लेसन्स दिखा देते हैं। ये हमने कुछ एग्जांपल लेसन्स तैयार किया है। देखिए पहले 2 दिन जो हम क्लास करेंगे उसमें हम थोरोली डिस्कस करेंगे कि अरेबिक ट्रांसलेशंस के एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको ट्रांसलेट करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले हमने ये कोर्स का हमने आपको टाइटल दे दिया, ये टाइटल थोड़ा हम बड़ा करते हैं, ये टाइटल है फंडामेंटल्स एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ अरेबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, ये टाइटल है, इस पर हम बहस करेंगे। अब यहाँ पर इस लेसन का ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ बता दिया गया है, ये ऑब्जेक्टिव क्या है, to introduce students to the basic principles and structures involved in translating between Arabic and English. The lesson will cover key translation concepts, sentence structure differences and common challenges faced when translating between these two languages. इन सब चीज़ों को हम बहस करेंगे, क्या करेंगे कि ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट क्या हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस क्या होते हैं और क्या क्या चैलेंजेस सामने आते हैं जब हम ट्रांसलेट करते हैं, की कॉन्सेप्ट में क्या होता है, सोर्स टारगेट लैंग्वेज है तो उसके डिफरेंसेस को समझना होता है, और कोई भी ट्रांसलेट एक्विलेंस क्या है, जैसे कि हम टायर बोल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो टायर का एक्विलेंस क्या हो सकता है ना, या टायरा बोल रहे हैं तो उसका एक्विलेंस क्या हो सकता है, टायर मतलब बर्ड भी हो सकते हैं, टायर का मतलब फ्लाइट भी होता है, राइट। इस तरह से लिटरल वर्सेस फ्री ट्रांसलेशन, इस पर भी हम डीपली डिस्कस करेंगे। ये चूंकि डेमो क्लास है, हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, जब हम डिस्कस करने पे आएंगे ईच एंड एवरीथिंग आई विल क्लियर टू यू, यानी क्लियरली मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या, और बीच बीच में एग्जांपल दिए जाएंगे और लाइव इंटरेक्शन क्लास होगी, उसमें आपसे भी पूछे जाएंगे और हम भी अपना इंटरवेंशन आपके सामने लाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस बिटवीन अरेबिक एंड इंग्लिश, तो ये स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या होता है, जैसे अरेबिक टिपिकली फॉलोज अ वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब होता है फिर सब्जेक्ट होता है फिर ऑब्जेक्ट होता है, वी एस ओ होता है सबसे पहले वर्ब, ये टिपिकली है, ऐसा नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बेसिक में सिखाने के लिए बताया जाता है, शुरू में सिखाने के लिए वी एस ओ, ये वर्ब सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इस तरह आता है, राइट। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल्स दें, कतबल मुअल्लिमु अद्दरसा, ये एग्जाम्पल्स हैं, यदरसुल मुदर्रिसु अक्तुल, युदर्रिसुल मुदर्रिसु अक्तुल्लाब, क़रा अत्तालिबु अल्किताब, इस तरह से हम डिस्कस करेंगे हर चीज़ की मिसाल लेके। जेंडर एंड नंबर एग्रीमेंट, जेंडर है तो अगर ज़्यादा है अब तालिबा तो नजह ना, ये हम ग्रामर में उतना डीपली नहीं जाएंगे, बस ऊपर ऊपर सुपरफिशियली हम चलेंगे, राइट। अब टेंस एस्पेक्ट पे भी थोड़ा बहुत हम टच करते हुए जाएंगे,
फिर नीचे आएगा कॉमन चैलेंजेस इन अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन। अरबिक इंग्लिश ट्रांसलेशन में जो कॉमन चैलेंजेस हम फेस करते हैं, कल्चरल नुआंसेस होते हैं, जैसा कि हमने बताया, नीचे हमने मिसाल भी दी हुई है। फिर इंग्लिश की भी हम मिसाल देंगे कि इंग्लिश इंग्लिश बोलते हैं कल्चर में जो चीज़ें चलती हैं अरबिक में नहीं चलती है, तो अरबिक में हम कैसे और उसका बदल लाएंगे, ऑल्टरनेटिव्स लाएंगे, उस पर भी हम बहस करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये एडियमेटिक एक्सप्रेशंस हैं, तो एडियम अरबिक का एडियम है, तो इंग्लिश में उसका क्या होगा, जैसे फिल फिल आजलती अन्नदामतु, जैसे लिटरल ट्रांसलेशन इन हैस दिस रिग्रेट, ये लिटरल ट्रांसलेशन है, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है। लेकिन ये है कि इंग्लिश में इसका हैस्ट मेक्स वेस्ट, ये है जैसे कि बोलते हैं ना देर आयत दुरुस्त आयत, तो इंग्लिश में बोलते हैं बेटर कम्स लेटर, इस तरह से माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो उस पर भी हम बहस करेंगे, ठीक है। फिर लेक्सिकल गैप्स होती हैं, करिया है, हया है, तो हया के कितने मीनिंग हो सकती है इसको, ऐसा करिया लिटरल मीनिंग विलेज होता है ना, इंग्लिश में स्मॉल टाउन के मीनिंग में होता है, तो उसको हम कैसे इस गैप्स को ब्रिज करेंगे, इस गैप्स को हम कैसे ये करेंगे, उस पर हमें किस तरह ट्रांसलेट करना चाहता है, थियोरेटिकल बहस है, इस पर भी हम थोड़ा बहुत डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल एक्सरसाइज आपको दी जाएंगी, तो उसमें आपको इस काबिल बनाने की कोशिश की जाएगी कि आप आइडेंटिफाइंग सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, उसी के थ्रू आपको कुछ चीज़ें दी जाएंगी, ऑब्जेक्ट्स दे जाएंगे, सेंटेंसेस दे जाएंगे, उससे आप ताकि क्या कहते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के काबिल हो पाएं, ठीक है। फिर ट्रांसलेटिंग इडियम्स, इस पर भी हम आपको एक्सरसाइज देंगे। फिर हैंडलिंग कल्चरल नुएंसेस, इस पर भी हम आपको एक्सरसाइज देंगे ताकि चीज़ें आप बेटर डीपली और थॉरली समझ सकें, ठीक है। फिर होमवर्क दिया जाएगा, और जैसे कि आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस यहाँ पर दिए हुए हैं, आपको जो सेंटेंसेस दिए जाएंगे, चूंकि इस कोर्स का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम आपको बिल्कुल ही बेसिक से लेकर चलें और सेंटेंसेस ऐसे लें जो कि नहायत ही लो लेवल का हो, वन लेवल का हो, उसमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस नहीं लेंगे। तो इसमें जैसे कि मेडिकल का कोई हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर सेंटेंसेज जो दिए जाए, एग्जाम्पल सेंटेंसेज दें, मेडिकल का कोई दो सेंटेंस हम लिए हैं, जैसे यतनावलुल मरीदु अद्दवा मरतैनि फिल यौम, तो इसमें आपको चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके बताई जाएंगी। और तबीबू यजरी फहसहू लिलकल्ब, ऐसे है कि डॉक्टर इज परफॉर्मिंग हार्ट चेकअप, तो ये सब चीज़ें आपको, जैसे टेक्निकल का हमने दिया हुआ दो सेंटेंस, ये लिटरेरी फील्ड का दो दिया है, जर्नलिज्म का दो दिया है, लीगल का दो दिया है, इस तरह से आपको बताया जाएंगे। इस बीच में जैसे कि आपको कुछ चैलेंजेस आएंगी कि हाल का ट्रांसलेट किया जाए, कैसे किया जाए, जुमला आएगा, जुमला मौसूला है तो उसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए, और इसी तरह से मस्दर आया अरबिक में, जैसे मॉडर्न अरबिक का ये आजकल टेम्परामेंट बन गया है, इस तरह का ट्रेंड बन गया है कि मॉडर्न अरबिक में ज़्यादातर लोग मस्दर को बहुत यूज़ करते हैं, मस्दर को डायरेक्ट मस्दर यूज़ करते हैं। फिर चूंकि आजकल टेक्निकल दौर है तो ज़्यादातर गूगल ये सब चलता है, तो लोग तम्मा और इस तरह से कामा, इस तरह के यूज़, जैसे फलाने फला काम किया तो उसमें कामा लगा देते हैं, फेले मजहूल को यूज़ करने के बजाय तम्मा, डन के लिए तम्मा तम्मा यूज़ करते हैं, तो उस पर भी हम बहस करेंगे। और ये चीज़ें कैसे अरेबिक में रवाज पाई और क्या इसका बैकड्रॉप है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पर फॉर मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कुछ क्या कहते हैं सेंटेंसेस यहाँ पर लिए हैं, और लेसन आपका कैसा होगा वो आपको दिखाने की कोशिश, जैसे कि हम जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन को जब देखेंगे तो उसमें जर्नलिस्टिक ट्रांसलेशन में हम शुरू दिन में क्या स्टार्ट करेंगे और किस तरह से हम बहस करेंगे, ये आपका एक लेसन एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर कंसोलिडेट कर दिया आपके लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, ईच लेसन जो हम तैयार करेंगे सबसे पहले उसका ऑब्जेक्टिव ऊपर में रहेगा, राइट। फिर तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक छोटा सा पैराग्राफ उसका अरबिक में रहेगा, फिर सेम पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ इसका इंग्लिश में रहेगा, है ना। यहाँ मैंने अरबिक का दिया हुआ है, हम इंग्लिश में भी देने की कोशिश करेंगे। फिर क्या करेंगे, उसको हम ट्रांसलेट जो करेंगे ब्रेकिंग डाउन द ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन को ब्रेक डाउन करके करेंगे, आलनतिल वजारतु इसको करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है, इसको अप्लाइड ग्रामर कहते हैं, राइट, समझ रहे हैं। तो अप्लाइड ग्रामर के थ्रू कि इस सेंटेंस में क्या क्या ग्रामर के रूल आ रहे हैं, किस तरह का अभी चलन है मॉडर्न अरबी में, क्या चल रहा है, किस तरह से, जैसे यहाँ देखना तफाकुम अलवत दिया हुआ, तफाकुम, तो तफाकुम जो है ये मस्दर है, तो ये मस्दर को क्यों यूज़ किया है, इसकी जगह क्लासिक अरबिक में मस्दर नहीं यूज़ करते, यहाँ मुताबात दिया है, मुताबात दुरूसी, यहाँ अब्र दिया है, जदीद अरबिक में अब्र बहुत यूज़ होता है, तो इन सब चीज़ों को हम डीपली और थरोली हम आपके सामने लाएंगे।
ठीक है, समझ रहे हैं आप? हेलो, ये तो वन वे क्लास हो रही है, टू वे क्लास तो हो ही नहीं रही। ठीक है, तो ये सब चीजें इस तरह से पहले हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करके ऐसे ट्रांसलेशन कर लेंगे, ईच पार्ट सारी चीजें इस तरह से क्लियर होगी। उसके बाद सबको कॉन्सोलिडेट करेंगे, कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके ट्रांसलेट करने के बाद जब सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी तो हम आपके लिए एक्सरसाइज का पार्ट लाएंगे, इस तरह से एक्सरसाइज दे जाएंगे। जैसे ये अरेबिक का हमने फॉर एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ सेट किया है, तो इसी तरह इंग्लिश का भी हम आपके लिए इसी तरह का एक्सरसाइज आपको दिया जाएगा। फिर उसी टेक्स्ट बेस पे ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हैं ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस का आंसर आपको, ये क्वेश्चंस आपको अरेबिक में भी दिए जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में भी दिए जाएंगे। ठीक है, फिर ये वर्ड पजल है, इस तरह से हम चलेंगे। समझ में आ रही बात? और टेक्स्ट का जो मुस्तवा आप देख पा रहे हैं, टेक्स्ट का मुस्तवा नहायत बेसिक लेवल का है, इसमें बहुत ज्यादा कोई टफ या कॉम्प्लिकेटेड टेक्स्ट नहीं है। ये थी। हाँ, दूसरी चीज, इस कोर्स के बारे में अक्सर लोगों का ये फीडबैक आया कि कोर्स जो है काफी महंगा है, हम इतना नहीं दे पाएंगे। लेकिन कोर्स को देखिए, इस कोर्स में हमारी मेहनत भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, और इस कोर्स का जो आपको आउटकम मिलने वाला है, इसका आउटकम भी काफी अच्छा है, इससे आपको वैल्यू मिलेगा। और इसके जरिए आप क्या करेंगे, जैसे कि आपके ट्रांसलेशन में करियर भी आपका बन सकता है, आप कोई अच्छी जॉब भी पा सकते हैं इसके जरिए, आपको रिसर्च में इससे हेल्प मिलेगी। और फिर ये कि ट्रांसलेशन के फील्ड में जो मतलब एक्सपर्टीज वाले जो लोग हैं बहुत कम हैं, आप यूनिवर्सिटीज़ में देखेंगे ट्रांसलेशन एक्सपर्टीज में बहुत कम लोग हैं। तो अगर आपने ट्रांसलेशन में एक्सपर्टीज हासिल कर